नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इधर जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर लगातार सीट शेयरिंग को के मद्देनजर तमाम अटकलों का बाजार गर्म होता रहा है। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले करीब डेढ़ महीने से इसकी कवायद चल रही थी। रह रह करके कुछ बातें जो आ रही थी सामने, कभी ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन नहीं बन पाएगा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाया, जिस तरह से अभी तक पंजाब, दिल्ली, इन स्टेट्स को लेकर के जो बातें आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इसका अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन सभी अटकलों को बुधवार 21 फरवरी को विराम लग गया। आपको पता है कि 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा बिहार से चंदौली जिले में पहुंची और वहां से होते हुए चंदौली, बनारस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते वो कानपुर तक पहुंची है। इस बीच इस न्याय यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी ने युवाओं पर, पिछड़ी जातियों पर, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा को के पेपर लीक को लेकर ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर जिस तेवर के साथ, जिस आक्रामकता के साथ अपनी बातें रखी, जिस अंदाज में भीड़ इकट्ठी हुई उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके विचार जानने के लिए, और जो माहौल बना उसके बाद से ये बातें पक्की होने लगी थी कि यूपी में अब कोई टूट नहीं होने वाली है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा भी था कि यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए जब हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो मुंबई में एक बड़ी रैली होगी जिसमें सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल शामिल होंगे। जो गठबंधन बना है वो कायम रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो अमेठी या रायबरेली में यात्रा के साथ शामिल होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला निपट जाने के बाद ही वो न्याय यात्रा में शरीक होंगे। ऐसे में आज शाम 5 बजे इसकी घोषणा कर दी गई है। शाम को लखनऊ में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी ने मीडिया को यह बताया कि अब यह गठबंधन हो गया है। इसके तहत
कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आज है। आगे चलकर कोई छोटे मोटे दल, क्षेत्रीय दल, जाति आधारित दल अगर गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें जगह दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने जो बताया उसके मुताबिक कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया लोकसभा सीट आवंटित की है। इसके अलावा बाकी सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी। दोनों ही दलों के पदाधिकारियों ने यह आश्वस्त किया है कि वो उनकी उनकी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता पूरे तन मन से इस गठबंधन को कायम रखते हुए पूरी जी जान से अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती पक्की हो गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, नरेश उत्तम जी ने बताया है कि वो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो सीट होगी खजुराहो। शेष सभी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और वहां भी दोनों पार्टियां मिलकर के एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। ये एक बड़ी बात आज सामने आई है उत्तर प्रदेश में। और कोई मिले या न मिले, भले ही जयंत चौधरी इंडिया एनडीए गठबंधन से जुड़ गए हों, मायावती अकेले लड़ने का की घोषणा कर चुकी हो, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो शुरुआत में कहा था उस वादे को पूरा किया है। ऐसे में अब यहां इन दोनों दलों के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ कड़ी टक्कर देगी। और सभी पदाधिकारियों ने यह कहा है कि न केवल हम टक्कर देंगे बल्कि हम बीजेपी को के प्रत्याशी को करारी शिकस्त देंगे। ये गठबंधन कामयाब होगा कि नहीं होगा बीजेपी को हराने में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो माहौल वर्तमान में बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहानी कुछ अलग बता रहा है पिछले चुनावों की तुलना में। युवाओं को जिस तरह से राहुल गांधी झकझोर रहे हैं, बार बार उन्हें जागने को मजबूर कर रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए
विवश कर रहे हैं, ये भीड़, ये युवा, ये दलित, ये पिछड़ा और ये आदिवासी वर्ग अगर थोड़ा भी राहुल गांधी के इस तेवर से वाकिफ हुआ, उनकी बताई हुई चीजों को समझ पाया, तो कहानी कुछ और भी हो सकती है। मुझे आज सिर्फ इतना ही बताना है, आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार राजनीतिक, देश की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर अब तक आपने YouTube चैनल अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर सूचना के साथ अवगत कराया जाएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।